हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं राम बाबू सर, पुनः हम आपको आज मॉडर्न अलजेब्रा लेकर आए हैं लाइव क्लास, लेकिन आज भी किसी कारणवश लाइव क्लास नहीं हो रहा, तो आज भी हम आपको वीडियो रिकॉर्ड करके ही आपके ग्रुप में सेंड करेंगे, लेकिन फिक्स है मंडे से लाइव क्लास होगी। क्लियर? हम आपको बता रहे थे मॉडर्न अलजेब्रा, जो यह मॉडर्न अलजेब्रा का ही नाम था एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, यह मॉडर्न अलजेब्रा बीएससी पार्ट टू का सिलेबस था, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी में बीएससी पार्ट वन में ही पढ़ना था मॉडर्न अलजेब्रा। मॉडर्न अलजेब्रा से चार क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, तो पिछले क्लास में हम आपको बताए थे बेसिक कॉन्सेप्ट, थोड़ा दो मिनट रिवाइज कर रहे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया था बाइनरी ऑपरेशन, जनरली ऑपरेशन को ओ या स्टार से डिनोट करते थे। ऑपरेशन का चार गो साइन होता एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडिंग, लेकिन ऑपरेशन सिर्फ दो ही केस में लागू होगा, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। कुछ बेसिक लॉ मैंने बताया था, क्लाउजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स लॉ, लास्ट में बताए थे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और एक कम्यूटेटिव लॉ, इसी लॉ का यूज पड़ता। यह तो फंडामेंटल चीज था, लेकिन आज जो हम आपको शुरू करने जा रहे हैं, यहीं से हम लोग का सिलेबस शुरू होता है। इस चैप्टर का नाम है ग्रुप। पहला क्वेश्चन एग्जाम में रहता है डिफाइन ग्रुप विथ एग्जाम्पल, यानी ग्रुप का परिभाषा दो, उस पर कोई भी एक क्वेश्चन ले लो। पहला क्वेश्चन है मोस्ट वीवीआई चैप्टर। यह जो हम मॉडर्न अलजेब्रा पढ़ने जा रहे थे, इसमें सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज है, लेकिन उस लैंग्वेज को हम अपने सरल भाषा में बताने जा रहे हैं, और सबसे इजी लगेगा आपको मॉडर्न अलजेब्रा, और मंडे को ही बता देंगे, एक एक्स्ट्रा क्लास लेने जा रहे हैं इंटीग्रल कैलकुलस का, और तीन दिन पढ़ाएंगे 2D और 3D, कारण फिर से लॉकडाउन बढ़ाते जा रहा है बाबू, तो अब एक ही विकल्प है ऑनलाइन, तो ऑनलाइन के साथ ही हम लोग बेहतर तैयारी कर सकते हो। अभी जो छात्र अगर ना जुड़े हो तो आप कमेंट करें, नंबर दिया गया है उस नंबर पर संपर्क करें, कारण एग्जाम टाइम पर ही होगा। क्लियर? यही एक विकल्प है ऑनलाइन, लेकिन यह ऑनलाइन क्लास भी हम ऑफलाइन से कम नहीं दे रहे बाबू। तो बढ़ते अब आगे सिलेबस में। देखो यहाँ कह रहा है ग्रुप किसे कहते, ग्रुप के लिए परिभाषा है कि मान लो जी कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट्स है। यह ग्रुप का हम डिफिनेशन लिख रहे हैं, आप लोग भी लिखेंगे, और जिसको डाउट होगा वह हमसे पूछेंगे, लेकिन आज तो हम वीडियो रिकॉर्ड करके ही डालेंगे, तो आज तो लाइव क्लास है नहीं, जो आप फेस टू फेस हमसे पूछ सकते हो कमेंट करके, लेकिन जब अगले क्लास में लाइव क्लास होगी तो उस वक्त हम आपको समय देंगे, किसी भी छात्र को कोई डाउट है तो पहले आप उसको पूछ लो। क्लियर? पहला क्वेश्चन है बाबू कि ग्रुप का परिभाषा, ग्रुप होने के लिए कुछ कंडीशन है, तो ग्रुप का परिभाषा हम लिखा रहे हैं, डिफिनीशन लिखा जाए,
लेट कैपिटल जी बी द एनी नॉन एम्प्टी सेट। मान लिया जी कोई भी एक सेट है जो नॉन एम्प्टी है, मतलब खाली नहीं है, कुछ न कुछ एलिमेंट है। एंड ओ बी द बाइनरी ऑपरेशन, और वो एक बाइनरी ऑपरेशन है। ऑपरेशन का चार गो साइन होता, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडिंग, लेकिन ऑपरेशन सिर्फ दो ही केस में लागू होगा, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। क्लियर? तब यहाँ से कहेंगे देन द सिस्टम योर जी और ओ इज कॉल्ड ए ग्रुप। यही जो एक सिस्टम है जी और ओ मतलब बाइनरी ऑपरेशन, यह ग्रुप कहा जाता कब, कंडीशन है इफ इट इज सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशन, जो इस कंडीशन को पालन करे। क्या कंडीशन है बाबू? अगर ग्रुप होगा तो वह चार लॉ को पालन करेगा। तो आप लोग लिख लिए होंगे, यह ग्रुप का परिभाषा मैंने बताया कि लेट जी बी द एनी नॉन एम्प्टी सेट एंड ओ बी द बाइनरी ऑपरेशन, देन द सिस्टम जी और ओ इज कॉल्ड ए ग्रुप इफ इट इज सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशन। क्या कंडीशन है? तो ग्रुप होने के लिए अगर चार लॉ को पालन करेगा तो वह सेट्स ग्रुप होगा, अन्यथा इट इज नॉट ग्रुप। जो बेसिक लॉ है, जो पिछले क्लास में बेसिक लॉ मैंने बता दिया था, जो छात्र अगर पिछला क्लास ना देखे होंगे तो कृपया आप उसको देख लेंगे, यह YouTube पर फ्री ऑफ कॉस्ट था, लेकिन मंडे से आपका वीडियो लॉक हो जाएगा। जब लाइव क्लास शुरू होगा ना तो आप का क्लास लॉक हो जाएगा, जो छात्र एडमिशन लिए सिर्फ वही देख सकते हो। तो आज भर ओपन है बाबू। पहला प्रॉपर्टीज है क्लाउजर लॉ। क्लाउजर लॉ को ही कहा जाता बाइनरी लॉ। क्लाउजर लॉ क्या होता है थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हम मान लिया इफ या ए और बी एलिमेंट है जी सेट्स का, तब देन या ए ऑपरेशन भी, क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि ये ऑपरेशन का मतलब प्लस का केस लेना है कि गुना का केस लेना है, ये तो थ्योरी बता रहे हैं। तो ए ऑपरेशन बी किया, इसका कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, जो वैल्यू होगा वह वैल्यू आल्सो एलिमेंट इस सेट्स जी का, तो क्लाउजर लॉ को पालन करेगा। तो इफ ए और बी एलिमेंट है जी का, देन ए ऑपरेशन बी आल्सो एलिमेंट जी का, तब कहेंगे यह क्लाउजर लॉ को पालन किया। इसलिए ऐसा कहेंगे सो यह ऑपरेशन इतना इज क्लोज, या दूसरे केस में कह सकते हो सो क्लाउजर लॉ इज सेटिस्फाइड। सेकेंड लॉ है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव का हिंदी होता सहचर्य नियम, सिर्फ ब्रैकेट को चेंज करेंगे। एसोसिएटिव लॉ में मान लिया कि इफ ए बी और सी एलिमेंट है जी का, तब देन ए ऑपरेशन और ब्रैकेट में बी ऑपरेशन सी बराबर ए को बी के साथ, तो ए ऑपरेशन बी और फिर ऑपरेशन सी, तो यह हो गया लेफ्ट हैंड साइड, यह राइट हैंड साइड। अगर दोनों बराबर हो जाएगा तो एसोसिएटिव लॉ को पालन करेगा। क्लियर? यहाँ तीसरा लॉ था एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी लॉ।
जनरली आइडेंटिटी लॉग को ई से डिनोट करेंगे और ई का मान जीरो प्लस के केस में, ई का मान वन गुना के केस में। तो यहाँ से कहेंगे देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई, आइडेंटिटी एलिमेंट को ई से डिनोट किया। क्वेश्चन में लिखा रहेगा एडिशन या मल्टीप्लिकेशन उसके अनुसार यह ई का मान कभी जीरो भी हो सकता और यह ई का मान कभी वन भी हो सकता, जो पिछले क्लास में बता दिए थे। तो यह जो ई लिया ना, यह एल्सो एलिमेंट है उस सेट जी का, क्लियर। तब यहाँ से कह दिए एंड कोई भी एलिमेंट मान लिया ए एल्सो एलिमेंट जी का, तब यहाँ से कहेंगे इसके ऊपर लिखेंगे, तो लिखिए यहाँ तक जी में कि आइडेंटिटी एलिमेंट को ई से डिनोट करेंगे, ई का मान जीरो प्लस के केस में, ई का मान वन गुना के केस में। तो मान लेते हैं ई आइडेंटिटी एलिमेंट है और यह ई एल्सो एलिमेंट जी का, और ए कोई भी एलिमेंट मान लिया उसी सेट जी का, क्लियर। तब यहाँ कहेंगे सच दैट, इस प्रकार यह ए ऑपरेशन ई बराबर हो ए, ए ऑपरेशन ई का वैल्यू भी अगर ए के बराबर हो तो यह आइडेंटिटी लॉ को पालन किया। यहाँ से हम कह सकते थे ई का मान, यहाँ से इन द केस ऑफ एडिशन, तो प्लस के केस में ई का मान जीरो, एंड इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन गुना के केस में ई का मान वन, क्लियर। अब चौथा प्रॉपर्टीज था एग्जिस्टेंस ऑफ एन इनवर्स लॉ या इनवर्स एलिमेंट। चौथा लॉ कह देंगे एग्जिस्टेंस ऑफ एन इनवर्स एलिमेंट या इनवर्स लॉ भी आप कह सकते हो। इनवर्स में रिजल्ट सोचना है जीरो हो या वन हो, तो जीरो होना चाहिए प्लस के केस में और वन होना चाहिए गुना के केस में। तो हम मान लेते हैं यहाँ से यदि संभव है, यहाँ से मान लिया कि इफ यह ए एलिमेंट है उसी सेट जी का, देन देयर एग्जिस्ट, देन देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स ऑफ ए इज, तो ए का इनवर्स हो जाएगा वन बाई ए, या इसी वन बाई ए को ए इनवर्स ए के पावर माइनस वन भी लिखते हैं। दैट इज, तो यह जो ए इनवर्स हुआ ना, यह एल्सो एलिमेंट उसी सेट जी का होना चाहिए। तब यहाँ से कहेंगे सच दैट यह ए ऑपरेशन ए इनवर्स बराबर होना चाहिए ई, और यह ई का मान भी क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट, तो यही ई का मान कभी जीरो भी हो सकता और यह ई का मान कभी वन भी हो सकता। तो आपको ध्यान देना होगा यहाँ से दैट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए इज, अगर एडिटिव मतलब प्लस, तो ए का एडिटिव इनवर्स माइनस है, तब ना ए में अगर माइनस ए जोड़ोगे तो जीरो, एंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए इज वन बाई ए या ए के पावर माइनस वन, तो यह जगह दैट इज ए इंटू वन बाई ए,
या ए इंटू ए इन दोनों को गुना करें तब ना वन। तो ग्रुप होने के लिए अगर इसी चार लॉ को पालन करेगा तो यह एक सेट ग्रुप होगा, अन्यथा इट इज नॉट ग्रुप। क्लियर? तो ग्रुप होने के लिए अगर चार लॉ को पालन करेगा तो वह सेट ग्रुप होगा, अन्यथा इट इज नॉट ग्रुप। अगर हमको पूछ दे एग्जाम में डिफाइन ग्रुप विथ एग्जाम्पल, ग्रुप का यही परिभाषा लिख देना। अब इस पर हम दो चार क्वेश्चन लेते हैं जो क्वेश्चन भी पूछता है, लेकिन हम बार बार कह रहे हैं बाबू यह मॉडर्न अलजेब्रा में सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज है, लेकिन इस लैंग्वेज को हम इतना आसान तरीका से बता रहे हैं, अपना क्षेत्रीय भाषा में बता रहे हैं कि आपको भी एग्जाम में इसी अंदाज में लिखना है और नंबर तो गर्दा फार आएगा। अभी जस्ट मिथिला यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आया है बाबू, मैक्सिमम बच्चा का रिजल्ट 180 प्लस है और 200 में कम से कम 180 नंबर आगा आना चाहिए आपको, उस अंदाज में हम बताएंगे। और बाबू इस संदेह तो नहीं, लेकिन अगले संदेह से हम आपको नोटिफिकेशन दे देंगे, जानकारी सूचना दे देंगे आपको कि संदेह संदेह एक बैच लेने जा रहे हैं ऑनलाइन ही, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, उसमें सिर्फ क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करवाएंगे 10 साल का, जो वही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। क्लियर? लॉकडाउन है, फिर से लॉकडाउन बढ़ाते जा रहा है बाबू, और एग्जाम टाइम पर होगी, इसलिए हमने विचार किया है आपको कि संदेह संदेह क्वेश्चन बैंक को सॉल्व कराया जाए। इसके लिए आप लोग तैयार रहेंगे, हम सूचना दे देंगे आपको, टाइम बता देंगे संदेह को कब क्लास लेंगे ऑनलाइन, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन। क्लियर? और मंडे से लाइव क्लास होगी। तो आप बताओ ग्रुप होने के लिए अगर चार लॉ को पालन करेगा तो वह सेट ग्रुप होगा, अन्यथा इट इज नॉट ग्रुप। अब हम इस पर क्वेश्चन ले रहे हैं आपको, देखिए यहां क्वेश्चन करा प्रूव दैट द सेट ऑफ इंटीजर, प्रूव दैट द सेट ऑफ इंटीजर इज ए ग्रुप अंडर एडिशन। क्वेश्चन में स्पष्ट लिखा रहेगा क्या करा, प्रूव दैट द सेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर का कोई एक सेट है, क्या वह सेट ग्रुप है अंदर एडिशन। अब बताओ तो क्वेश्चन समझेंगे, मान लेते इंटीजर का मतलब पूर्णांक, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता था कि प्रूव दैट द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर सिर्फ जीरो से बड़ा, लेकिन लिखा हुआ इंटीजर तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच जितने वैल्यू आएगा सभी इंटीजर हैं। तो यहाँ से मान लिया हम लोग कि लेट कैपिटल आई बी द सेट ऑफ इंटीजर, यानी दैट इज जो आई बराबर यह एक सेट है जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस दो प्लस माइनस तीन इस तरह से। तो क्वेश्चन कह रहा देन वी हैव टू सो दैट, सीध करके दिखा दो, देन वी हैव टू सो दैट द सेट ऑफ आई इज ए ग्रुप अंडर एडिशन। तब यह जो सेट है इंटीजर का, क्या यह सेट ग्रुप होगा प्लस के केस में। तो ग्रुप होने के लिए
चार लॉ को पालन करना चाहिए। तो पहला लॉ यहां से क्या पढ़ा था आपने, क्लाउजर लॉ। कोई भी क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन से मालूम चल जाएगा कि ग्रुप कह रहा है। अगर ग्रुप है तो चार लॉ, सब क्वेश्चन में आप थ्योरी लिख देना, क्लियर। तो क्लाउजर लॉ में क्या पढ़े थे आप यहाँ से, मान लिया इफ यह ए और बी एलिमेंट है आई का, तब देन ए प्लस बी एल्सो एलिमेंट आई का, तो क्लाउजर लॉ को पालन करेगा। ताकि क्वेश्चन में लिखा हुआ अंडर एडिशन, इसलिए प्लस का साइन लिखा। तो मान लिया ए और बी दो अलग अलग एलिमेंट है इसी सेट का, सब क्वेश्चन में आपको परिभाषा लिख देना था, इस क्वेश्चन के अनुसार सेट करवा दो। यहाँ से मान लिया दैट इज ए का मान, मान लिया वन, बी का मान दो, एल्सो एलिमेंट आई का, तब देन एक प्लस दो बराबर तीन, तीन एल्सो एलिमेंट है इस सेट का आई का। वैसे भी दो इंटीजर को अगर आप ऐड करोगे तो एक इंटीजर ही होगा। तो मान लिया एक और दो एलिमेंट है इस सेट का, क्रमबद्ध मान लिया, और दोनों को जोड़ेंगे तो एक प्लस दो बराबर तीन, और तीन एल्सो एलिमेंट इस सेट का। इसका मतलब यह क्लाउजर लॉ को पालन किया, इसलिए यहाँ से नीचे कह सकते हो सो सो क्लाउजर लॉ इज सेटिस्फाई। सो क्लाउजर लॉ इज वेरीफाई, यानी क्लाउजर लॉ को पालन किया। क्लियर है सभी आदमी? तो पहला लॉ तो ऑलरेडी पालन कर गया, अब इसके बाद देखते हैं। बहुत सरल तरीका से हम आपको बता रहे हैं, तो लंबा है इसलिए बार बार हमको मिटाना पड़ रहा है बाबू। क्लाउजर लॉ के बाद सेकेंड नंबर लेते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ का थ्योरी यही ना पढ़े थे आपके, इफ ए बी और सी एलिमेंट है आई का, तब देन ए प्लस बी प्लस सी बराबर होना चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी। तो ए बी सी क्रमबद्ध हम अलग अलग तीन गो एलिमेंट मान लेते हैं। यहाँ से मान लिया दैट इज यह एक दो और तीन एलिमेंट है आई का, तब देन इसके अनुसार एक प्लस दो प्लस तीन बराबर एक प्लस दो, सॉरी यह हो गया वन प्लस दो प्लस तीन, यानी यह छः बराबर छः, यानी व्हिच इज ट्रू, सही है, यानी बायां पक्ष दायां पक्ष दोनों समान है। इसका मतलब सो एसोसिएटिव लॉ इज वेरीफाई या सेटिस्फाई, यानी एसोसिएटिव लॉ को भी वेरीफाई कर गया, क्लियर। अब यहां पर लेंगे तीसरा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी लॉ। एक क्वेश्चन में लिखा हुआ अंडर एडिशन, तो आइडेंटिटी लॉ को ई से डिनोट करेंगे और ई का मान जनरली जीरो। यहां से मान लिया कि लेट या ए भी एलिमेंट है आई का, एंड ई ई का मान जीरो, एल्सो एलिमेंट आई का, तब देन ए प्लस जीरो बराबर ए। तो दैट इज ए का मान, मान लिया एक एलिमेंट है आई का और जीरो भी एलिमेंट है आई का, तब देन वन प्लस जीरो बराबर एक, और एक एल्सो एलिमेंट उस सेट का। तो यह आइडेंटिटी लॉ को भी पालन कर गया, क्लियर। लिख लिए? अब देखो इसके बाद
एक चौथा लॉ था एग्जिस्टेंस ऑफ एन इनवर्स लॉ। तो इनवर्स लॉ यहां से मान लेते हैं कि इफ अगर ए एलिमेंट है आई का, तो ये क्वेश्चन में लिखा हुआ था प्लस का केस, तो यहां से कहेंगे द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए इज माइनस ए। क्लियर? इसका मतलब हो गया अगर ए एलिमेंट है आई का एंड माइनस ए आल्सो एलिमेंट आई का, तब यहाँ से कहेंगे देन ए प्लस माइनस ए यानी जीरो, और जीरो भी एलिमेंट होना चाहिए आई का। तो कोई भी एलिमेंट अब मान लो यहाँ से दैट इज यह दो एलिमेंट है आई का, तो दो का एडिटिव इनवर्स माइनस दो, और माइनस दो आल्सो एलिमेंट आई का, तब देन दो प्लस माइनस दो यानी जीरो, जीरो आल्सो एलिमेंट आई का। इसका मतलब हो गया सो इनवर्स लॉ इज वेरीफाई, जो इनवर्स लॉ को भी वेरीफाई किया। इससे यह देख रहे हैं कि यह सभी ग्रुप का चार लॉ है और चारों लॉ को पालन कर गया। यहाँ से कह सकते हो हैंस ऑल कंडीशन, हैंस ऑल कंडीशन, हैंस ऑल कंडीशन ऑफ ए ग्रुप इज वेरीफाई या सेटिस्फाई। ग्रुप के चारों लॉ को पालन कर गया, हैंस ऑल कंडीशन ऑफ ए ग्रुप इज वेरीफाई फॉर एडिशन प्लस के केस में। इससे यह निष्कर्ष निकला यह जो सेट है इंटीजर का, वह इंटीजर का जो सेट है वह ग्रुप होगा। इसलिए यहाँ से कहेंगे सो योर आई इज ए ग्रुप अंडर अंडर एडिशन। हो गया प्रूफ। तो अब बताओ अगर हमको ग्रुप का परिभाषा पूछ दे और उस पर कोई एक क्वेश्चन दे दे, या क्वेश्चन रहेगा जनरली एग्जाम में डिफाइन ग्रुप विथ एग्जाम्पल, तो आप जो अभी तक बताए यहाँ तक कि ग्रुप का परिभाषा लिख देना और यही एक एग्जाम्पल बना देना, तो एक क्वेश्चन आपको हो गया 16 मार्च का। क्लियर है? तो इस तहत आप क्वेश्चन बना सकते हो, तो हम कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे, बना लीजिएगा। क्लियर? देखिएगा क्वेश्चन लिखना, आप सब क्वेश्चन में परिभाषा लिख देना। परिभाषा क्लियर होगा तो आसानी से आप बना सकते हो क्वेश्चन। तो हम आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं होमवर्क में, देखा जाए होमवर्क में क्वेश्चन करा द सेट ऑफ रियल नंबर इज ए ग्रुप अंडर एडिशन। तो रियल नंबर या इंटीजर दोनों सेम क्वेश्चन हो गया। यहाँ क्वेश्चन कर रहा द सेट ऑफ रियल नंबर इज ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन। वैसे मल्टीप्लीकेशन पर हम एक क्वेश्चन ले लेंगे, लेकिन मल्टीप्लीकेशन के लिए ई कामन वन और एडिटिव इनवर्स वन बाई ए। क्लियर? तो इस तहत हम
यह क्वेश्चन बना सकते थे। एक और क्वेश्चन, यही दो क्वेश्चन दिया हम आपको होमवर्क में, इसके बाद और क्वेश्चन ले रहे हैं हम आपको। यह दोनों क्वेश्चन हम आपके जिम्मे छोड़ रहे हैं, इसको बना लेना। एक क्वेश्चन और ले लिया जाए, कह रहा प्रूव दैट द सेट ऑफ ऑड इंटीजर, प्रूफ दैट द सेट ऑफ ऑड इंटीजर इज ए ग्रुप अंदर एडिशन। देखिएगा, अगर चारों लॉ को पालन करेगा तो ग्रुप दैट द सेट ऑफ ऑड इंटीजर इज ए ग्रुप अंदर एडिशन। एक क्वेश्चन और ले लिया यहाँ पर, करा प्रूव दैट द सेट ऑफ इवन इंटीजर इज ए ग्रुप अंडर एडिशन। क्लियर? तो यह चारों क्वेश्चन हम आपको दे दिए होमवर्क में, आसानी से इस क्वेश्चन को हम लोग बना सकते थे। सब क्वेश्चन में एग्जाम्पल लिख देना भैया, लेकिन एग्जाम में पहला क्वेश्चन पूछेगा जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है इस तरह से, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन कि डिफाइन ग्रुप विथ एग्जाम्पल। अभी सेम क्वेश्चन बताए कि आप ग्रुप का परिभाषा लिख देना और इस चारों पांचों में से कोई भी एक एग्जाम्पल लिख देना, ग्रुप मेरा बन जाएगा, यानी यह क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। यानी फुल क्वेश्चन पूछेगा 16 नंबर का और लैंग्वेज है सिर्फ, और बड़ा आसानी से हम आपको ग्रुप का परिभाषा बताएं। अगर ग्रुप सीख गए तो आसानी से आप इस टाइप का क्वेश्चन बना सकते हो। डिफाइन ग्रुप विथ एग्जाम्पल। क्लियर? एक और क्वेश्चन लेते हैं जो क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, प्रूव दैट द सेट ऑफ नन जीरो, प्रूफ दैट द सेट ऑफ नन जीरो, नन जीरो मतलब जीरो छोड़कर, पॉजिटिव हो सकता नेगेटिव हो सकता लेकिन जीरो नहीं होगा। क्वेश्चन को बारीकी से पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा और लैंग्वेज है बाबू, सब क्वेश्चन में परिभाषा लिख देना, क्वेश्चन पढ़ने से मालूम चल जाएगा ग्रुप का क्वेश्चन है कि कौन सी का क्वेश्चन है। क्या कहा क्वेश्चन? प्रूफ दैट द सेट ऑफ नन जीरो मतलब जीरो नहीं है, नन जीरो रेशनल, रेशनल का तो परिमेय संख्या पी बाई क्यू के रूप में, नन जीरो रेशनल नंबर इज ए ग्रुप अंदर मल्टीप्लिकेशन। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, क्या कह रहा कि रेशनल नंबर का कोई एक सेट है वह नॉन जीरो है, क्या वह सेट ग्रुप है अंदर मल्टीप्लिकेशन। हम बार बार कह रहे हैं कि ऑपरेशन का चार गो साइन होता, जोड़ घटाव गुना भाग, लेकिन ऑपरेशन सिर्फ दो ही केस में लागू होगा, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, लेकिन क्वेश्चन में स्पष्ट लिखा रहेगा एडिशन लेना है कि मल्टीप्लिकेशन लेना है। क्लियर है? हम जानते थे सभी रियल नंबर एक रेशनल नंबर हो सकता, सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या हो सकता,
लेकिन सभी परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या नहीं हो सकता। परिमेय संख्या मतलब पी बाई क्यू के रूप में, मतलब दो नहीं कुछ है, दो बता हुआ एक परिमेय संख्या है। मतलब दो इंटीजर अगर पी बाई क्यू के रूप में हो वह परिमेय संख्या होगा, लेकिन लिस्ट कॉमन फैक्टर ये सब जानते थे। जनरली रेशनल नंबर को हम लोग कैपिटल क्यू से डिनोट करते थे। देखिए कितना सिंपल तरीका से क्वेश्चन लिख रहा है, यहाँ से हम मान लिया लेट कैपिटल क्यू बी द सेट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर, यानी दैट इज यह क्यू बराबर यह एक सेट है जीरो प्लस माइनस एक, क्लियर। क्वेश्चन में लिखा हुआ था नॉन जीरो, इसका मतलब यह जीरो नहीं होगा, लिखा हुआ नॉन जीरो। तो यह हो जाएगा क्यू बराबर यह एक सेट है प्लस माइनस एक प्लस माइनस दो प्लस माइनस एक बटा दो प्लस माइनस दो बटा तीन प्लस माइनस चार बटा सात, इस तरह से, क्लियर। यह एक परिमेय संख्या का समुच्चय है। करा यह जो सेट है क्यू क्या ग्रुप होगा अंदर मल्टीप्लीकेशन, तो यहां से कहेंगे देन वी हैव टू सो दैट द सेट ऑफ क्यू इज ए ग्रुप अंदर मल्टीप्लीकेशन, क्लियर है यहां तक लैंग्वेज। बताइए कितना सरल तरीका से लिख रहे हैं, और मैथ का कोई लैंग्वेज भाषा नहीं बाबू, आप समझ गए सबसे बड़ा भाषा वही है, और हम कोई भी मैथ उसी अंदाज में बता रहे हैं, और हमेशा आप टॉपर बनने का सोचो, दिन में सपना देखो, और मैथ दुनिया का सबसे इजी विषय है बाबू, इसे जितना भरसक हो आप भी मेहनत करो मेरे साथ, क्लियर। अब बताओ यह ग्रुप है तो चार लॉ को पालन करना चाहिए, क्लाउजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ और इनवर्स लॉ। अब देखो चारों लॉ कैसे आप पालन करवाएंगे, अगर चारों के चारों पालन करेगा तो ग्रुप होगा, चार में अगर कोई एक ना किया दो ना किया तो नोट ग्रुप, क्लियर। देखो पहला लॉ है क्लाउजर लॉ, हम यहां से मान लिया इफ यह ए और बी एलिमेंट है क्यू का तब देन ए इंटू बी एल्सो एलिमेंट क्यू का। अब ए का मान कुछ भी मान लो एक बटा दो और बी का मान दो बटा तीन एल्सो एलिमेंट क्यू का तब देन, दोनों को गुना करोगे तो एक बटा दो इंटू दो बटा तीन, दो से दो कैंसिल यानी एक बटा तीन एल्सो एलिमेंट क्यू का, मतलब क्लाउजर लॉ को पालन किया सो क्लाउजर लॉ इज सेटिस्फाई, सो क्लाउजर लॉ इज वेरीफाई, क्लियर। सम में आपको परिभाषा लिख देना है बाबू, और एग्जाम्पल देखकर उसको सेटिस्फाई करवा देना है, जब प्रूफ करना है तो 100% बनेगा ही। देखो सेकेंड नंबर लिया एसोसिएटिव लॉ, क्या कहता था इफ यह ए बी और सी एलिमेंट है क्यू का तब देन ए इंटू बी इंटू सी बराबर ए इंटू बी इंटू सी, तो ए बी सी तीन को एलिमेंट मान लिया उसी सेट क्यू का, जो आपको बुझाता है उसी में से कोई भी एलिमेंट मान लो, मान लिया जाए दैट इज एक एक बटा दो और एक बटा तीन एलिमेंट है क्यू का तब देन इसके अनुसार वन इंटू एक बटा दो इंटू एक बटा तीन यानी वन इंटू एक बटा दो इंटू एक बटा तीन, जब इसको सॉल्व करोगे एक बटा छः बराबर एक बटा छः,
सेटिस्फाई कर गया, व्हिच इज ट्रू, इसका मतलब एसोसिएटिव लॉ को भी पालन किया। क्लियर? अब यहाँ पर क्या लेंगे, तीसरा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी लॉ, ध्यान देना, तीसरा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी लॉ। जनरली आइडेंटिटी लॉ को ई से डिनोट करते थे, तो यहाँ से मान लिया कि इफ अगर ए एलिमेंट है क्यू का एंड या ई, लेकिन गुना का कैसे, ई का मान वन एल्सो एलिमेंट क्यू का, तब देन ए इंटू वन बराबर ए, दैट इज तो ए का मान एक बटा दो एलिमेंट है क्यू का एंड ई का मान वन एल्सो एलिमेंट क्यू का, तब देन वन बटा टू इंटू वन यानी वन बटा टू, वन बटा टू एल्सो एलिमेंट क्यू का, यानी यह भी पालन कर गया। क्लियर? चौथा लेंगे यहाँ पर एग्जिस्टेंस ऑफ एन इनवर्स लॉ। तो गुना का केस है, इनवर्स लॉ में यहाँ से क्या पढ़े थे, मान लेते हैं यहाँ से कि लेट अगर ए एलिमेंट है क्यू का, यहाँ से द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए इज वन बाई ए, वन बाई ए को ही कहेंगे ए के पावर माइनस वन। तो मान लो अगर ए एलिमेंट है क्यू का तो एंड वन बटा ए एल्सो एलिमेंट क्यू का, तब दोनों को अगर गुना करोगे तो ए इंटू ए इनवर्स यानी वन वन एल्सो एलिमेंट क्यू का। क्लियर? लिख लिए होंगे, लिखा जाए इसको। तो हम मान लेते हैं यहाँ से दैट इज दो बटा तीन अगर एलिमेंट है क्यू का, तब देन दो बटा तीन का मल्टीप्लीकेटिव वन बाई दो बटा तीन यानी यह हो जाएगा तीन बटा दो एल्सो एलिमेंट क्यू का ना, इसीलिए दो बटा तीन इंटू तीन बटा दो, दोनों को सॉल्व किया तो वन एल्सो एलिमेंट क्यू का, यह इनवर्स लॉ को भी पालन कर गया यानी ग्रुप के चारों लॉ को पालन किया। यहाँ से कह देंगे दस ऑल कंडीशन, दस ऑल कंडीशन ऑफ ए ग्रुप इज सेटिस्फाई या वेरीफाई, इसलिए यहाँ से कह देंगे सो यह क्यू जो एक रेशनल नंबर का सेट है, यह क्यू ग्रुप होगा, सो क्यू इज ए ग्रुप अंदर मल्टीप्लिकेशन, लिखा जाता है इसको बाबू आराम से। ग्रुप क्या होगा उस पर दो चार क्वेश्चन लिए, तो आज का क्लास इतना ही रहेगा बाबू। अब फिर हम लोग मंडे से आते हैं लाइव क्लास के लिए, अभी कुछ दिक्कत था इसलिए लाइव क्लास नहीं हो पा रहा था, लेकिन मंडे से लाइव क्लास लेंगे और वीडियो आपको लॉक हो जाएगा मंडे से। तो आज का क्लास इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। ओके बाय।